Story name is Punishment or Love, and this story is begin from chapter 127. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। समय की सबसे डेंजरस जगह में से एक है ड्रैगन। ड्रैगन की बिल्डिंग अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पर अंडरवर्ल्ड का किंग व्हाइट इगल उफफ समय मल्होत्रा का केबिन है, जहां से वो सब पर अपना हुकुम चलाता है। ड्रैगन एम्पायर अपने नाम की ही तरह एक मिस्ट्री है। यहां ऐसे कहीं राज दफन है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में खुद अंदर काम कर रहे लोगों को नहीं पता। दुनिया वालों के लिए ड्रैगन एम्पायर बिजनेस वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, ये बात दूसरी है कि यहाँ सब काम होते हैं, फिर चाहे वो लीगल हो ये अनलीगल। ड्रैगन से कहीं हॉलीवुड स्टार भी बने हैं। ड्रैगन एम्पायर में बाकी बिजनेस के साथ एंटरटेनमेंट का भी एक छोटा सा बिजनेस है, जिसका नाम भी समय के नाम से है, SM एंटरटेन। ड्रैगन के बारे में और भी बहुत कुछ है जो आगे पता चलेगा। अविरन चार बार खुद की तलाशी देके चीर चुका था। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो बुरी तरह समय के खेल में फंस चुका था। अब उसके पास समय का काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अविरन ने अपने भाई को समय के पास रखने की बात भी इसलिए की थी ताकि समय उसके लिए मना कर दे और उसे अपने भाई के साथ अमेरिका से जाने दे, लेकिन उसकी सोच से उल्टा समय ने उसके भाई को उसके मेंशन रखा लिया। इसलिए अविरन और चीरा हुआ था। उसे समय के लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो यहाँ समय के साथ एक बिजनेस ओफो लेके आया था। एक दिल की पार्टनरशिप वो समय के साथ करना चाहता था। उसने सोचा था ये दिल कर समय के साथ नाम जुड़ेगा तो उसे होने वाली माफिया मीटिंग में फायदा होगा, लेकिन यहाँ आके कुछ और ही हो गया। अविरन कार से उतर एक नजर ऑफिस को देख गहरी सांस ली, खुद को काम किया, अपने अंदर चल रहे तूफान गुस्से को शांत किया, अपने भाई के बारे में सोचा। मेहर अविरन के पास आके उसे ग्रीट कर बोला, वेलकम टू द ड्रैगन एम्पायर मिस्टर ओबेरॉय। अविरन उसकी आवाज सुन ऊपर लिखे नाम को देख बोला, इक्वल्स तुम्हारे बॉस को कोई और नाम नहीं मिला रखने को जो ऐसा सनकी वाला नाम रखा है। ये सुन मिहिर मुस्कुरा के बोला, इक्वल्स हमारे ड्रैगन से पूरा अंधवल डरता है। ये नाम यहाँ के बिजनेस किंग के किंगडम का नाम है, यहाँ इस नाम से सब डरते हैं। ये नाम भले ही सनकी वाला हो, लेकिन इसे जुड़े हर इंसान को इस नाम से बहुत प्रॉफिट हुआ है। अविरन उसकी बात सुन बुरा सा मुंह बना लिया। मिहिर ने अविरन को अंदर चलने का इशारा कर कहा, आप अंदर चलिए, हम अंदर चल के बात करते हैं। बोस ने पहले ही आपके लिए केबिन तैयार करने को कह दिया था, हमने सारी तैयारी कर ली है। जिसे सुन अविरन अंदर की ओर जाते हुए खुद से बोला, ओह है तो उस सनकी आदमी को पता था मैं यहाँ उसका नौकर बन के काम करने वाला हूँ, इसलिए मेरी केब पहले से तैयार करवा ली। अविरन समय को कोसते हुए अंदर चला गया। उसने बिना इधर उधर देखे जहां मिहिर ले जा रहा था वहां चलने लगा। मिहिर अविरन को समय की पर्सनल लिफ्ट से उसके केबिन में ले गया। ये समय की पर्सनल लिफ्ट थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते थे जिसे समय ने अलाउड किया है। ये लिफ्ट समय के केबिन के बीच चार केबिन से जुड़ी है, उसमें से दो केबिन समय के है, बाकी दो में से एक वरुण का था और दूसरा उसने अविरन को दिया। मिहिर अविरन को लेके लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट थोड़ी देर में अविरन के केबिन के अंदर जाके रुकी। अविरन एक नजर अपने केबिन को देख मिहिर से बोला, इक्वल्स तुम्हारे बॉस ने मेरे लिए कितने काम दिए हैं। मिहिर उसे टेबल पर रखी फाइल दिखा के कहा, इक्वल्स बॉस ने कहा है आप पहले इन फाइल को देख लो, फिर इंडिया में होने वाली माफिया मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन की फाइल बना लो, वो आपे एक बार उसे देखना चाहते हैं। अविरन माफिया मीटिंग सुन उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने मिहिर को देख आंखें रोल कर कहा, इक्वल्स वो है तो तुम्हारे बॉस को अब माफिया भी चाहिए। जीस पर मिहिर मुस्कुरा के नामे सर हिला के बोला, इक्वल्स नहीं, बॉस को आपके छोटे से माफिया की कोई जरूरत नहीं है, वो चाहे तो आपके माफिया को आसानी से हरा सकते हैं।
तो फिर उसे माफिया मीटिंग की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, अविरन ने पूछा। वो चाहते हैं उस मीटिंग में आपके पीछे ड्रैगन का नाम जुड़ा हो जिसे कोई भी आपसे टकराने से पहले हजार बार सोचे, मेहर ने कहा। मेहर की बात सुन अविरन अपनी चेयर पर जाके बैठ गया। मेहर ने आज की जितनी मीटिंग उसे करनी थी सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी, साथ ही आज जीतना काम था उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी और वो वहां से अपने केबिन में चला गया। अविरन भी अपने काम में लग गया। समय की कार। समय ने इस बार तापसी को गोद से नीचे उतारा, साइड में बिठाया था, लेकिन उसने उसे खुद से जरा सा भी दूर नहीं किया था। उसने अभी भी एक हाथ से तापसी को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना जरूरी काम कर रहा था। इतने दिनों में तापसी का जाना, उसे ढूंढना, तापसी को बचाने जाना, उसे सजा देना, हॉस्पिटल जाना, इन सब में समय का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था और काफी काम भी पेंडिंग था। जिसे समय कार में ही कर रहा था, उसकी गोद में लैपटॉप था जिस पर एक हाथ से वो कुछ टाइप कर रहा था, साथ ही कान पर ब्लूटूथ से मिहिर को काम के ऑर्डर दे रहा था, मीटिंग के बारे में जरूरी बात कर रहा था, साथ ही उसे कौन सी फाइल तैयार चाहिए वो बता रहा था। इस सब में भी उसने तापसी का एक हाथ पकड़ा हुआ था। तापसी खिड़की के बाहर चल रही गाड़ियों को देख रही थी। आज काफी दिनों बाद वो थोड़ी सुकून की सांस ले रही थी, वरना इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे वो हमेशा डर में रहती थी। उसे हमेशा डर लगता था कहीं समय को गुस्सा ना आ जाए, समय उसे पनिश ना करे, उसे उस कमरे में लोक ना करे। समय काम करते हुए भी उसका ध्यान तापसी पर बना हुआ था। वो लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए भी तापसी को देख रहा था, जो बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अपनी बटरफ्लाई को मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। तापसी बाहर देखते हुए अचानक से जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको। इस सब में भी उसने तापसी का एक हाथ पकड़ा हुआ था। तापसी खिड़की के बाहर चल रही गाड़ियों को देख रही थी। आज काफी दिनों बाद वो थोड़ी सुकून की सांस ले रही थी, वरना इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे वो हमेशा डर में रहती थी। उसे हमेशा डर लगता था कहीं समय को गुस्सा ना आ जाए, समय उसे पनिश ना करे, उसे उस कमरे में लोक ना करे। समय काम करते हुए भी उसका ध्यान तापसी पर बना हुआ था। वो लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए भी तापसी को देख रहा था, जो बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अपनी बटरफ्लाई को मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। तापसी बाहर देखते हुए अचानक से जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको। उसके ऐसे चिल्लाने से ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक मारी। गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं थी, इसलिए ब्रेक लगते ही रुक गई। समय का हाथ काम करते करते रुक गया। उसकी नजरें तापसी पर चली गई। आज पहली बार होगा जब तापसी की इतनी लाउड वॉइस समय ने सुनी होगी। समय तापसी को ऐसे गाड़ी रोकने पर घुने लगा। तापसी समय का हाथ पकड़ उसे बाहर एक सोप की ओर इशारा कर मासूमियत से बोली, इक्वल्स मुझे आइसक्रीम खानी है वहां से। समय ने जब उसकी बात सुनी उसकी आंखें और छोटी हो गई। वो कभी अपनी बटरफ्लाई के मासूम चेहरे को देखता तो कभी बाहर उस सोप को। तापसी अपनी झीलसी आंखों से समय को देख फिर से बोली, इक्वल्स प्लीज एक आइसक्रीम दिला दो, पक्का सिर्फ एक आइसक्रीम। समय एक नजर सोप को देख मना करते हुए बोला, इक्वल्स नहीं बच्चा, तुम यहाँ से आइसक्रीम नहीं खा सकती क्यों? तापसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमा के मासूमियत से पूछा। तापसी ये सब करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी जैसे कोई छोटा सा क्यूट सा बच्चा हो जो इस वक्त आइसक्रीम खाना चाहता हो और उसके डैड उसे मना कर रहे हो। समय अपनी मासूम सी मोम की गुड़िया की आंखों को देख खुद को उसे प्यार करने से रोक नहीं पाया। उसने लैपटॉप साइड रख उसे उठा के गोद में बिठा के उसके गालों पर किस कर कहा, इक्वल्स बच्चा वो गंदी जगह है, मैं आपको दूसरी सोप से आइसक्रीम खरीद दूंगा। दरअसल तापसी ने जींस सोप की बात की थी, वो एक आइसक्रीम वेन थी, वो कोई सोप नहीं थी, एक गाड़ी थी जहाँ छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम कैंडी खा रहे थे। समय चाहता तो वो खरीद सकता था, लेकिन वो ठहरा हाइजीनिक इंसान, उसे गंदगी से नफरत थी, वो कैसे अपनी बटरफ्लाई को उस जगह से कुछ खरीद के दे सकता है। तापसी उसकी बात सुन उदास हो गई, उसका चेहरा मायूस हो गया। समय को उसका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं
लगा आज पहली बार था जब तापसी ने उसे कुछ मांगा था, वो भी इतने प्यार और मासूमियत से। आज तापसी में समय को पहली मुलाकात वाली तापसी नजर आई। समय उसका उदास चेहरा देख एक नजर उस वेन को देख गहरी सांस लेके बाहर निकला। तापसी अभी भी उसकी गोद में थी। समय तापसी को लेके उस वेन के चला गया। उन दोनों को देख आसपास के लोग सोकत थे, खासकर लड़की या समय का हैंडसम चेहरा देख लड़की या तो मानो अपना मुंह बंद करना ही भूल गई। उस रोड साइड बहुत छोटी मोटी दुकानें लारिया थी, जिस वजह से वहां काफी लोग थे। कहीं फैमिली थी तो कहीं कपल्स तो कहीं बड़े बुरे बच्चे। समय का ड्राइवर भागते हुए समय के पास आके बोला, बसों आप कार में बेदिए में लेके आता हूँ। जींस पर समय ड्राइवर को एक नजर घूर के देखा। ड्राइवर समय की नजर देखते ही कांप गया और वहां से उल्टे पैर कार के पास आ गया। लड़कियां जो अपने पति बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो समय का हैंडसम चेहरा स्ट्रोंग बॉडी देख लाल टपका रही थी। वही लड़कों की नजर तापसी पर थी, लेकिन वो जिसकी गोद में थी उस आदमी को देख लड़कों ने अपनी नजरें तापसी से हटा ली। समय की पर्सनैलिटी देख लड़कों में हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा तापसी को देख सके। समय बिना आसपास देखे तापसी को लेके सीधा उस वेन के पास आ गया। तापसी आइसक्रीम वेन को देख खुश हो गई। उसने समय के गले में बाहें लिपट के चहकते हुए बोली, आप बहुत अच्छे है, बहुत बहुत बहुत। समय उसके चेहरे की चमक देख बिना इमोशन के उस आइसक्रीम वेन में खड़े आदमी को बोला, तुम्हारी सोप की सबसे महंगी आइसक्रीम दो। आइसक्रीम वेन वाला आदमी समय की बात सुन सोकत ही हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसके छोटे से वेन में महंगी आइसक्रीम कहा होगी। उसने अपने सामने खड़े आदमी के ओरा देख इतना तो समझ चुका था कि ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। आइसक्रीम वाला डरते हुए बोला, सर मेरे पास सबसे महंगी तो सिर्फ 80 रुपए का आइसक्रीम फालूदा है। उसे महंगी तो मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। समय आदमी की बात सुन उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आदमी समय की आंखों से ही कांपने लगा। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। तापसी पास खड़े बच्चों को देखते हुए बोली, भैया मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम वाला तापसी की आवाज सुन बच्चों को देख बोला, मैडम ये तो बहुत सस्ती आइसक्रीम है, सिर्फ 10 रुपए की। समय एक नजर बच्चों के हाथ की आइसक्रीम को घूर के तापसी से बोला, बच्चा ये नहीं, ये अच्छी नहीं है, मैं आपको दूसरी आइसक्रीम खिलाऊंगा। तापसी समय की बात सुन फिर से उदास हो गई। उसकी नजरें बच्चे के हाथों की आइसक्रीम पर थी। समय अपनी बटरफ्लाई की नजरें देख खुद को सांट कर वेन वाले आदमी से बोला, ये एक दे दो। समय को वैसे तो वो आइसक्रीम नहीं खरीदनी थी, लेकिन अपनी बटरफ्लाई के चेहरे पर वो उदासी भी नहीं देख सकता था। तापसी ये सुनते ही चहकते हुए बोली, भैया रेड वाली देना। दरअसल तापसी ने जो आइसक्रीम मांगी थी वो एक बर्फ की कैंडी थी जो अलग अलग कलर में आती थी। तापसी समय की बात सुन फिर से उदास हो गई। उसकी नजरें बच्चे के हाथों की आइसक्रीम पर थी। समय अपनी बटरफ्लाई की नजरें देख खुद को सांट कर वेन वाले आदमी से बोला, ये एक दे दो। समय को वैसे तो वो आइसक्रीम नहीं खरीदनी थी, लेकिन अपनी बटरफ्लाई के चेहरे पर वो उदासी भी नहीं देख सकता था। तापसी ये सुनते ही चहकते हुए बोली, भैया रेड वाली देना। दरअसल तापसी ने जो आइसक्रीम मांगी थी वो एक बर्फ की कैंडी थी जो अलग अलग कलर में आती थी। आइसक्रीम वाला जल्दी से एक रेड कैंडी निकाल समय को दे दी। समय अपने पीछे खड़े आदमी को देख वहां से आइसक्रीम लेके चला गया। पीछे खड़े आदमी ने जेब से 2000 के नोट की एक गदी निकाल वेन पर रख दी। आइसक्रीम वाला अपने आइसक्रीम की इतनी कीमत देख सोकत हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने नोट की गदी उठा के आदमी को आवाज लगा के बोला, सर मेरी आइसक्रीम के सिर्फ 10 रुपए होते हैं। आदमी बिना पीछे मुड़े जाते हुए बोला, ये कीमत हमारी मैडम की पसंद की हुई एक छोटी सी चीज की है, तुम्हारी आइसक्रीम नहीं तो रख लो। आदमी समय का राइट हैंड इनायत था। इनायत समय की परछाई है, वो जहां जाता है वो उसके पीछे होता है। बाकी कोई गादोस आसपास हो चाहे ना हो, इनायत हमेशा होता है।
समय तापसी को लेके कार में बैठ गया। कार वहां से हवा में बात करते हुए निकल गई। इनायत भी वहां से अपनी कार में उनके पीछे निकल गया। कार में तापसी आइसक्रीम कैंडी से रैपर निकाल उसे चूसने लगी। वो जींस तरह चूस रही थी। उसे अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज सुन समय की मानो सांसें ही तेज हो चुकी थी। तापसी अजीब आवाज के साथ कैंडी चूस रही थी। तापसी अभी भी समय की गोद में थी और कैंडी को मजे से चूस रही थी। ड्राइवर ने पहले ही कार में पार्टीशन ऑन कर दिया था। समय तापसी को देखने की इजाजत किसी को नहीं देता, सिवाय तब तो बिल्कुल नहीं जब वो उसके करीब हो। तापसी के ऐसे चूसने से कार में अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे सुन समय को अपने अंदर गर्मी सी लगने लगी। उसके सर पर पसीने की बूंद आने लगी। उसने अपना कोट निकाल पीछे फेंका। अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। तापसी कैंडी चूसते हुए समय को देख रही थी। समय को ऐसे पसीना आता देख उसने मासूद से पूछा, क्या हुआ, आपको गर्मी लग रही है, आपको इसे चूसना है? उसने मासूद से अपनी चूसी हुई कैंडी समय को दिखा के पूछा। समय की नजर उस कैंडी पर थी जो उसके होठों से उसके मुंह में अंदर बाहर हो रही थी, जिसे देख समय ने अपने बाल में अजीब तरीके से हाथ फिरा के बोला, बच्चा मुझे गर्मी तो लग रही है और मुझे चूसना भी है, लेकिन ये नहीं कुछ और, लेकिन मेरे पास तो और कैंडी नहीं है, आपने तो एक ही दिलाई थी। तापसी ने ना समझी में मासूद से बोली। समय उसकी मासूद भरी बातें सुन उसकी कैंडी चूसने से लाल हो चुके होठों को देख के बोल, बच्चा जो मुझे चूसना है वो मेरे पास है, तो आप चूस लीजिए। तापसी ने अपनी कैंडी चूसते हुए मासूद से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, समय बिना देर किए उसे सीट पर लेता के उसके ऊपर आ गया। उसने बिना एक पल की देरी किए अपने होठ उसके होठ पर रख उसे पेशेंटली किस करने लगा। तापसी ये होते ही शोक हो गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। उसके हाथ में पकड़ी कैंडी उसके हाथों से गिरते गिरते बची। अगर समय ने उसे पकड़ा नहीं होता तो वो गिर जाती। समय उसके निचले होठ को अपने होठों के बीच दबा के सक करने लगा। समय के मुंह में भी कैंडी का टेस्ट आने लगा। समय ने उसके होठों को सक करते हुए उसके होठों के खिलाफ कहा, बच्चा जींस तरह तुम इस कैंडी को चूस रही थी, वैसे ही मेरी टंग को सक करो, मुझे किस करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। समय ने इतना बोल फिर से उसके होठों पर अपने होठों रख दिए। तापसी का मुंह उसकी बात सुन सोकत से पहले ही खुला हुआ था। समय उसके खुले मुंह में अपनी टंग डाल उसकी टंग के साथ खेलने लगा। वो कभी तापसी के होठों को सक करता तो कभी उसकी टंग को। तापसी अभी भी सोकत में थी। समय ने जब देखा तापसी कुछ नहीं कर रही तो उसे गुस्सा आने लगा। समय ने गुस्से में उसकी कमर को जोर से दबाया, जिसे तापसी अपने होश में आई और उसकी आह निकल गई। समय ने इस बार सख्ती से कहा, बच्चा मैंने कहा मेरी टन को चूसो, जैसे तुम इस कैंडी को चूस रही थी बिल्कुल वैसे। समय की आवाज सुन तापसी डर गई। उसने समय की टन को अपने मुंह में लेके तेज तेज सक करने लगी। समय ये देख अपनी आंखें बंद कर तापसी के बालों में हाथ फंसा के उसकी किस को एंजॉय करने लगा। तापसी के हाथ में जो कैंडी थी वो पिघल रही थी। उस कैंडी से समय तापसी दोनों के हाथ खराब हो रहे थे। कार में समय तापसी की किस की आवाज आ रही थी। समय को इस आवाज से सुकून मिल रहा था, वही तापसी को इसे दर्द हो रहा था। समय बीच बीच में से बाइट भी कर रहा था। उसने तापसी के हाथ से कैंडी ली। अपने होठ तापसी से अलग कर उस कैंडी को तापसी के होठों पर रख अपने होठ उसके ऊपर रख दिए। कैंडी आधी से ज्यादा पहले ही पिघल चुकी थी। बची हुई कैंडी दोनों के होठों के बीच थी, जो दोनों के बीच की गर्मी से पिघल रही थी। समय के कैंडी रखते ही तापसी को अपने होठों पर ठंडी गर्मी दोनों का एहसास हो रहा था। समय अजीब तरीके से तापसी के होठों के साथ खेलने लगा। समय के हाथ तापसी की बॉडी पर चल रहे थे। तापसी कभी कैंडी को सक करती तो कभी समय के होठों को। उसे भी ऐसे किस करने में मजा आ रहा था। समय भी उसके होठों के साथ खेल रहा था। ऐसे करते हुए वो दोनों विला पहुंच गए। ड्राइवर बिना कुछ बोले कार से उतर गया। समय ने तापसी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक आइसक्रीम कैंडी पूरी तरह पिघल नहीं गई और वो सेटिस्फाई नहीं हो गया।
समय ने आधे घंटे बाद तापसी के होठों को छोड़ा। जब तापसी की सांसें उखड़ने लगी तब जाके समय तापसी के होठों से अलग हुआ। समय उसे फिर से अपनी गोद में लेके बैठ गया। तापसी बुरी तरह हाफ रही थी, उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी जबकि समय बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय उसके बालों को कपड़ों को सही कर अपना ब्लेजर उठा के तापसी को पहना के कार उसे लेके बाहर निकल मेंशन में चला गया। इनायत भी उनके पीछे अंदर चला गया। इनायत आज पहली बार सबके सामने आने वाला था। उसके सामने आने पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था जो आगे पता चलेगा। मेंशन में आते ही समय की नजर हॉल में मौजूद लोगों पर गई, जहां वही सब था जो इन दो दिन से हो रहा था। लेकिन इस बार राहुल ने जानवी को पकड़ रखा था। जानवी समय को देख फिर से चिल्लाने लगी, जाना 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 जाना, मुझे इन लोगों से बचाओ जाना, ये लोग मुझे मारते हैं जाना, ये जाना वो। जानवी के पास वही दो डॉक्टर भी खड़े थे जो जानवी का इलाज कर रहे थे। जानवी को समय को जाना बोलता देख तापसी की पकड़ समय पर कस गई। उसने अपना सर समय के सीने में छुपा लिया। समय उसे कसके पकड़ गुस्से में जानवी की ओर देखने लगा। तापसी को डरता देख समय की आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। तापसी तिरछी नजरों से जानवी को ही देख रही थी। समय जानवी से नजरें फेर राहुल को देख बोला, राहुल आज के बाद इसके मुंह से मुझे ये वध नहीं सुना देना चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। जैसे ही राहुल ने ये सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। उसका दो दिन से रखा हुआ सब्र जवाब दे गया। उसे समय से डर तो लग रहा था लेकिन समय की इस बात पर उसे गुस्सा आने लगा। राहुल ने जानवी को उन डॉक्टर को पकड़ा के समय से पास जाके कहा, अरे यार तू तो मुझे ऐसे धमकी दे रहा है जैसे ये मेरी बीवी हो और तू इसकी गलती की सजा मुझे देगा। यहाँ दो दिन से ये सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है कि ये कौन है, इसका मुझसे क्या रिश्ता है और तू मुझे ऐसे धमका रहा है। पहले मुझे तू ये बता ये कौन है और उस रात तूने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस पागल को क्यों संभालू। जिसे सिफे तू चाहिए उठते सोते सिफे जाना 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 करती रहती है, ये जाना तुझे बोलती है और तू इसे जानू बुलाता है, फिर बीच में कहां से आ गया। समय राहुल की बात इग्नोर कर ऊपर जाते हुए बिना इमोशन के बोला, ये सब बताना मैं तुझे जरूरी नहीं समझता। इसे मेरा जो भी रिश्ता था वो तब तक था जब तक मैं चाहता था, लेकिन अब मुझे इसे कोई मतलब नहीं। अगर तुझे इतना ही पता करना है तो खुद पता कर ले, आखिरकार तू एक पुलिस ऑफिसर है और वैसे भी ये तेरे लिए सबसे खास है और उसे जुड़ी एक और बात है जो तुझे खुद पता करनी होगी। राहुल उसकी बात सुन और कंफ्यूज हो गया। पहले के उसके दिमाग में कई सवालों चल रहे थे जिसका जवाब नहीं था और नए सवाल उसके दिमाग में आ गए। तापसी अपने भाई को देख बोली, दादा मैंने आज आइसक्रीम खाई रेड वाली, देखो मेरी टंग रेड हो गई। तापसी अपनी टंग बाहर निकाल राहुल को दिखाने लगी। राहुल ने जैसे ही अपनी बहन की मीठी सी आवाज सुनी उसका ध्यान अपनी बहन के मुस्कुराते चेहरे पर चला गया। जिसे देख उसका सारा गुस्सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन एक पल में चला गया। राहुल समय को रोकते हुए बोला, इक्वल समय एक मिनट, क्या मैं अपनी क्यूटी के साथ थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ। समय ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसके चलते कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। राहुल ने समय के पास दो सीढ़ी छोड़ के खड़ा होके बोला, काफी दिन हो गए भाई मैंने अपनी क्यूटी को गले नहीं लगाया, उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, कम से कम एक भाई को इतना तो हक दे कि वो अपनी बहन को खाना खिला सके। राहुल ने समय के आगे हाथ जोड़ के इमोशनल होके कहा। अपने भाई की बात सुन तापसी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी अपनी झीलसी नजरों से समय को देखने लगी। जींस पर समय तापसी को और कसके पकड़ के बोला, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बटरफ्लाई को किसी को नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरी है, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी सनक, मेरा सब कुछ है। अगर किसी ने भी इसके करीब आने की सोची या मुझसे इसे दूर करने की सोची तो वो मेरा वो रूप देखेगा जिसे दुनिया काल का दूसरा नाम कहती है। समय इतना बोल बिना राहुल को देखे वहां से अपने कमरे में चला गया। तापसी ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से आंसू निकल गालों पर आ गए।
राहुल समय की बात सुन वहीं टूट कर बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उसे इस वक्त सच में अपनी बहन की जरूरत थी। वो तापसी से बहुत प्यार करता है। उसने उसके लिए बहुत दर्द सहा है। एक वही है जो उसका परिवार, उसका सब कुछ है, फिर भी वो उस पर अपना हक नहीं जता सकता। भाई होके अपनी छोटी बहन को गले नहीं लगा सकता। समय का यूं तापसी को सिर्फ अपना कहना उसे चुभ रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे घुटन हो रही थी। इनायत ये सब देख राहुल के पास आके बिना इमोशन के बोला, इन सब के जिम्मेदार तुम सब हो। तुम सबने उनको ऐसा बनाया है। अभी तो आपने सिर्फ उनका थोड़ा सा गुस्सा देखा है, उनका वो रूप नहीं देखा जिसे पूरी दुनिया डरती है। राहुल इनायत की बात सुन अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा के बोला, उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं नहीं जाता तो मैं अपनी क्यूटी को खो देता। मैंने पहले ही अपने मोरदेट खोए थे। अब मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता था, इसलिए उसे लेके चला गया। मानता हूँ मुझे समय को कॉन्टेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था जिसे मैं समय से कॉन्टेक्ट कर सकूं। मेरे पास मेरा फोन तक नहीं था। इनायत उसकी बात समझ रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। उसे पता है समय किसी को इतनी जल्दी माफ नहीं करता और ना ही इतनी आसानी से मरने देता है। इनायत को राहुल वरुण के बारे में सब कुछ पता है। उसे ये भी पता है कि वो दोनों समय के बचपन के दोस्त है। राहुल को इनायत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वक्त वो इतना टूटा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किसके आगे अपना दर्द बता रहा है। राहुल को इनायत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वक्त वो इतना टूटा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किसके आगे अपना दर्द बता रहा है। तभी हॉल में वरुण व्योम व्योम को लेके आ गया। वरुण की नजर जैसे ही राहुल पर गई वो सोकत हो गया। राहुल को रोता देख वो भाग के उसके पास आया और उसने राहुल के पास अपने पंजों पर झुक के बोला, राहुल तुझे क्या हुआ, तू इस तरह तो क्यों रो रहा है। राहुल के कानों पर जैसे ही वरुण की आवाज गई वो तुरंत उसके गले से लग रो पड़ा। वरुण उसे इस तरह रोता देख वो और परेशान हो गया। उसने राहुल से कितनी बार पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोता रहा। वरुण ने भी उसे रोने दिया। वो उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा जिसे राहुल को अच्छा लगे। समय का रूम। समय तापसी को पहले फ्रेश कराने बाथरूम में ले गया। उसने तापसी को फिर से दो तीन बार नहलाया, वो भी इतना घीस घीस कर की तापसी के रोने की आवाज पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। तापसी का पूरा शरीर समय ने लाल कर दिया था। समय ने उसे बाथरूम पहना का बाहर लाके बिस्तर पर बिठा दिया और खुद कपड़े लेने चला गया। तापसी अभी भी रो रही थी। उसके पैर हाथ सब लाल हो चुके थे। उसके गला भी लाल था। समय थोड़ी देर में तापसी के लिए एक येलो रैबिट डिजाइन की छोटी सी फ्रॉक लेके आया। साथ ही दूसरे हाथ में अपने लिए बिजनेस सूट, जिसका मतलब था वो अभी ऑफिस जाएगा और साथ तापसी को भी ले जाएगा। समत अभी भी नेक टावल में था। उसने भी तापसी के साथ बाथ लिया था। उसके सीने पर पानी की कुछ बूंदे अभी भी दिख रही थी। उसका 42 इंच का सीना 8 पैक्स पर पानी की बूंदे किसी उसकी तरह लग रही थी। समय इस वक्त काफी होट लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तो अपने कंट्रोल खो दे, लेकिन हमारी भोली सी तापसी के लिए ये अभी समझ पाना मुश्किल था। फिर भी समय की होटनेस पर सिर्फ उसका हक है, सिर्फ उसका। वो जब चाहे समय को छू सकती है, देख सकती है। समय पूरी तरह उसका था। समय ने पहले कपड़े बेड पर रखे, फिर साइड ड्रॉर से ऑयलमेंट निकाल तापसी के पास आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। तापसी समय को अपने करीब आता देख डर गई और पीछे होने लगी। उसकी आंखें मुंह नाक रोन से लाल हो चुका था। उसे लग रहा था समय फिर से उसे चोट देगा। समय तापसी को पीछे जाता देख उसका चेहरा और शक हो गया। उसने एक झटके में तापसी का पैर पकड़ खींच लिया। तापसी उसके खींचने से सीधा उसके सीने से जा लगी। समय बिना कुछ बोले एक झटके में उसका बाथरूम निकाल फेंका और उसके शरीर को एक टक देखने लगा जो पूरी तरह लाल हुआ था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जो लाल नहीं थी।
तापसी से गले से लेके पैर तक सब कुछ लाल था। सबसे ज्यादा लाल तापसी के प्राइवेट पार्ट थे, जहाँ कुछ लाल निशान भी थे और प्राइवेट पार्ट पर काफी सूजन भी थी। तापसी अभी भी रो रही थी, सिसक रही थी, उसका चेहरा झुका हुआ था, उसकी सिसकने आवाज पूरे कमरे से गूंज रही थी। समय बिना एक्सप्रेशन अपने हाथों में ऑयलमेंट लेके तापसी को बिस्तर पर लेटा के उसके शरीर के हर हिस्से पर लगाने लगा जो लाल था। ऑयलमेंट लगते ही तापसी की आहें निकलने लगी, उसने कसके बेड सिट पकड़ ली। समय जहां जहां ऑयलमेंट लगाता तापसी की आह निकल जाती, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकलते। समय की आंखें इस वक्त बिल्कुल कोल्ड थी, उसे देख पता ही नहीं चल रहा था वो गुस्सा है या शांत। उसके चेहरे के जीरो एक्सप्रेशन देख बता पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑयलमेंट लगाने के बाद समय ने उसे अपने साथ लाइफ रूक पहना दी और खुद उसके सामने ही अपने कपड़े पहने। तापसी अभी भी सुबक रही थी, वो ऐसे ही बेड पर लेती रही। उसे ऑयलमेंट से अब ठंडक मिल रही थी। समय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होके अपने बालों को सेट करते हुए बिना इमोशन के बोला, इक्वल्स बटरफ्लाई, आज के बाद अगर तुम किसी के भी पास गई या किसी ने भी तुम्हें छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस इंसान को तो सजा दूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी जैसी आज मिली, ये पनिश्ड में याद रखना। समय की बात सुन तापसी और घबरा गई, उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, वो खुद में ही सिमटने लगी। वो अपने दोनों घुटनों को क्रॉस कर रोने लगी। समय की पनिशमेंट वाली बात सुन उसकी आंखों के सामने वही सब पल आ गया जब समय ने उसे उस रूम में कैद किया था और जो उसने उसके साथ बाथरूम में किया। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू निकलने लगे, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। समय ने जब मीर से देखा तापसी कांप रही है, उसका चेहरा पीला पड़ रहा है, तो वो तुरंत उसके पास आके उसे अपने सीने से लगा लिया। तापसी इतनी डरी हुई थी कि वो समय के बाहों में जाते ही बेहोश हो गई। तापसी को अचानक बेहोश देख समय की मानो सांसे ही थम गई, उसकी आंखों में अजीब सा दर्द दिखा। समय के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर पसीने की बूंदे आ गई। वो तापसी के गालों को थपथपा के बोला, इक्वल्स बच्चा आंखें खोलो, बच्चा बच्चा आंखें खोलो, देखो मुझे बटरफ्लाई, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ बच्चा, मुझे देखो। काफी बार आवाज देने पर भी तापसी ने आंखें नहीं खोली। तापसी के बेहोश होने से समय के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो बिना एक पल भी वेस्ट किए तापसी को गोद में लेके मेंशन से बाहर की ओर भागा। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। स्टोरी नेम इज पनिशमेंट और लव एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 132 एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल वरुण हॉल में ही बैठे हुए थे जब समय तापसी को लेके वहां से निकला। दोनों भी सोकद होके उसके पीछे भागे। दोनों ने तापसी को बेहोश देख लिया था। दोनों समय से कुछ पूछते उसे पहले समय तापसी को कार में लेके वहां से निकल गया। राहुल वरुण भी दूसरी कार में उसके पीछे निकले। समय की कार की स्पीड काफी तेज थी जिसे वरुण राहुल की कार पीछे रह गई। समय की कार थोड़ी देर में अपने पर्सनल हॉस्पिटल के बाहर आके रुकी। समय बिना एक पल भी वेस्ट किए तापसी को लेके अंदर चला गया। समय इस वक्त हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड में था जहां तापसी बेड पर बेहोश लेती हुई थी। डॉक्टर की पूरी टीम वहां मौजूद थी। समय तापसी के पास ही बैठा था। समय तापसी का हाथ कसके पकड़े हुए था। वो तापसी के गालों को छुके बार बार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो तापसी को उठाने के लिए बोला, बच्चा प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, प्लीज उठ जाओ।
इस वक्त समय काफी परेशान था। तापसी का ऐसे बेहोश होना उसे परेशान कर रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार कोई एक्सप्रेशन थे, तापसी की फिक्र थी, टेंशन थी। वार्ड में कम से कम 20 डॉक्टर खड़े थे जो ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी वो आगे आके समय से बाहर जाने को बोल सके। उनको तापसी को चेक करना था, लेकिन समय के डर से किसी के भी कदम नहीं उठे। तभी उनके कानों में समय की दिल दहलाने वाली आवाज गई, अपनी जान प्यारी हो तो अभी मेरी बटरफ्लाई को होश में लाओ, वरना तुम सबको यहाँ से सीधा शमशान भेजूंगा। समय की डरवानी आवाज सुन सारे डॉक्टर की जान ही अटक गई। सब डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन डॉक्टर में से एक ने हिम्मत जुटा के आगे आके कहा, बॉस आप बाहर जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो करना है ऐसे ही करो और उसे पहले मेरी एक बात सुन लो, मेरी बटरफ्लाई को कोई आदमी नहीं छुएगा। यहाँ से सारे मेल डॉक्टर बाहर निकलो, मुझे सिर्फ फीमेल डॉक्टर चाहिए। समय ने उस डॉक्टर की बात बीच में काट के गुस्से में कहा। समय की बात सुन सारे मेल डॉक्टर एक पल भी रुके बिना बाहर चले गए। अब वहाँ 3 लेडी डॉक्टर थी। एक लेडी डॉक्टर यंग थी, 25-28 साल की, और एक थोड़ी ओल्ड थी, 35 साल की। तीनों ही डरी हुई नजरों से समय को देख रही थी। तीनों को पता था समय हॉस्पिटल का मालिक है और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। सबने सिर्फ समय का नाम सुना था, उसके नाम का खौफ सबको पता था, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। समय की आवाज फिर से उस वोद में सुना दी, इस बार पहले से ज्यादा गुस्सा में बोला, अब तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा, आके मेरी बटरफ्लाई को ठीक करो वरना अपनी जान दो। जिसे सुन तीनों लेडी डॉक्टर आगे आके तापसी को चेक करने लगी। चेक करते हुए उन तीनों की नजरें नीची थी, उनके हाथ कांप रहे थे। एक डॉक्टर ने तापसी की नस चेक की, दूसरी ने उसके साथ पैरों के लाल निशान चेक किए। तीसरी डॉक्टर जो एज में बड़ी थी, उसने तापसी के कपड़े ऊपर कर उसके प्राइवेट पार्ट को चेक किया, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तीनों तापसी की पूरी बॉडी को एग्जामिन करने लगी। समय की चील सी नजरें उन पर ही थी, वो अपनी लाल आंखों से उनके हाथों को देख रहा था। जैसे जैसे वो तापसी को छुटी, समय की आंखें और लाल हो जाती, उसके हाथों की मुठिया कसी हुई थी। समय उनको घूर के बोला, क्या हुआ मेरे बच्चे को, वो बेहोशो क्यों है? एक डॉक्टर ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, सर इन्होंने कुकका, ये क्या टोटला की तरह बोल रही हो, सीधा नहीं बोल सकती। समय ने उसकी बात पूरी होने से पहले गुस्से में कहा। वो डॉक्टर समय की आवाज सुनते ही 2 कदम पीछे हो गई। अब उसके गले से एक वद नहीं निचला। समय फिर से चिल्लाया, मैंने कुछ पूछा है, क्या हुआ है मेरी बटरफ्लाई को? दूसरी डॉक्टर जो उन दोनों की सीनियर थी, उसने हिम्मत कर आगे आके कहा, सर लगता है मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया। और वो बोलते बोलते रुक गई। और क्या, समय ने तेज चिल्ला के कहा। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त किसी यमराज की तरह लग रहा था, जिसके सर पर खून सवार हो, अगर तापसी नहीं उठी तो सबको जान से मार देगा। डॉक्टर डरते हुए हिम्मत कर आगे बोली, सर बिना खाए फिजिकल होने से मैडम बेहोश हो चुकी है और इनकी सूजन से लगता है ये इनका पहली बार था और थोड़ा ज्यादा वाइल्ड था, इसलिए उनको दर्द हद से ज्यादा हुआ होगा, इसलिए मैडम बेहोश हो चुकी है। डॉक्टर का साफ मतलब था कि तापसी के बेहोश होने की वजह समय है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात समय के मुंह पर बोल सके, इसलिए बिना खाने वाली बात उसने पहले की, जिसे वो बच भी जाए और समय को थोड़ी बात समझा भी सके। डॉक्टर की बात सुन समय के चेहरे एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी नजरें तापसी के पीले चेहरे पर पड़ी, जो शायद उसकी हैवानियत के कारण हुआ था। उसे वो सब याद आ गया जब उसने तापसी के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन उसे उसका कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए वो सब तापसी को सजा देना था। उसने डॉक्टर को घूर के बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है ये कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, मेरे फिजिकल होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर समय का सीधा सवाल सुन घबरा गई, उसका चेहरा शम से लाल हो गया। अब वो क्या ही बोलती, समय को कैसे बताती कि उसके फिजिकल होने से ही वो बेहोश हुई है।
ये क्या भूत की तरह खड़ी हो, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो सा, मैंने फिर से चिल्ला के कहा। दूसरी डॉक्टर बोली, हाँ सर आपकी बात सही है, मैडम बेहोश बिना खाने से हुई है। उस डॉक्टर ने झूठ बोला था ये बात बाकी दोनों डॉक्टर जानती थी, फिर भी चुप थी, उन्होंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। ये क्या भूत की तरह खड़ी हो, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो सा, मैंने फिर से चिल्ला के कहा। दूसरी डॉक्टर बोली, हाँ सर आपकी बात सही है, मैडम बेहोश बिना खाने से हुई है। उस डॉक्टर ने झूठ बोला था ये बात बाकी दोनों डॉक्टर जानती थी, फिर भी चुप थी, उन्होंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। समय ने आगे पूछा, मेरी बटरफ्लाई को होश कब आएगा? डॉक्टर आधे घंटे में। समय तापसी के पास बैठ उसके पेट पर हाथ फेर के बोला, सॉरी बच्चा मैंने तुम्हारे खाने का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कोई नहीं अब से तुम्हारे खाने का ध्यान ये तीनों रखेगी, अगर तुम दोबारे बेहोश हुई तो मैं पहले इन तीनों की जान लूंगा। मेरी बटरफ्लाई का इलाज ठीक से ना करने पर इन तीनों को मेरे ओदर पर यहाँ जो मिली है, अब अगर ये अपनी मालकिन का इलाज सही से नहीं कर सकती तो फिर इनके जीने का क्या मतलब। समय ने ये बात भले की शांति से बोली थी, लेकिन उसमें वॉनिक साफ थी, जिसे सुन तीनों डॉक्टर की सांसें ही अटक गई, उनमें से एक तो बेहोश ही हो गई। समय बिना पीछे देखे कोल्ड वॉइस में बोला, दफा हो जाओ। तीनों लेडी डॉक्टर बिना एक पल भी रुके वहां से चली गई। समय तापसी के पीले पर चुके चेहरे को छुके बोला, मैंने अपने बच्चे का फर्स्ट टाइम दर्द नाक बना दिया, सॉरी। बच्चा उस वक्त में गुस्से में था और फिर तुम्हारे साथ फिजिकल होते ही मैं सब भूल गया और तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने लगा, लेकिन मैं प्रोमिश करता हूँ तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत हो जाएगी, ये दर्द को मैं कभी कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इस दर्द में तुम्हें सुकून जरूर देने की कोशिश करूँगा। तभी राहुल वरुण कमरे में आए। राहुल आते ही समय का कॉलर पकड़ उसे तापसी से दूर कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। पंच काफी तेज था। पंच पड़ते ही समय का मुंह एक ओर झुक गया, उसके होठों के कोने से खून निकल आया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि समय को पता नहीं चला। राहुल के पंच मारने से वरुण भी खुद भी हैरान था। राहुल गुस्से में समय का कॉलर पकड़ के चिल्ला के बोला, कने क्या किया तूने मेरी बहन के साथ, तू इतनी घटिया हरकत करेगा, मैंने सोचा नहीं था तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जबरदस्ती करने की। समय उसके हाथ उठाने से पहले ही गुस्से में आ चुका था। अब उसके ऐसे कॉलर पकड़ने से उसकी बातें सुन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसके हाथों की मुठिया कस गई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। राहुल गुस्से में, कने तूने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की? वरुण तुरंत राहुल के पास आके बोला, राहुल ये तू क्या कर रहा है, उसका कॉलर छोड़। राहुल ने फिर भी कॉलर नहीं छोड़ा। वरुण राहुल से समय का कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, राहुल ये तू क्या कह रहा है, मैंने कहा कॉलर छोड़, समय का हम इस बारे में बैठ के बात करते हैं, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। राहुल समय का कॉलर बिना छोड़े चिल्ला के बोला, इसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की और तू बोल रहा है मैं शांत हो जाओ और इस घटिया आदमी से बैठ के बात करूं, यहाँ मेरी बहन बेहोश है और तू मुझे शांत होने को बोल रहा है। समय उसके मुंह से फिर से जबरदस्ती वध सुन गुस्से में चिल्लाया, जस्ट सट अप, उसने इतना ही बोला था कि उसकी दिल दहलाने वाली आवाज सुन राहुल के हाथ से उसका कॉलर छूट गया। समय एक कदम राहुल की ओर बाके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या लगा रखा है जबरदस्ती? जबरदस्ती मैंने कोया जबरदस्ती नहीं की, और की भी होगी तो ये मेरा हक था जो मैंने लिया, ये चीज हमारे बीच होना नॉर्मल है, हम एक कमरे में एक बिस्तर पर सोते हैं, हम एक दूसरे को हर रोज बिना कपड़ों के देखते हैं, साथ में नहाते हैं, वो मेरी बटरफ्लाई है, उसके शरीर से रूह तक पर मेरा हक है, मैंने मेरा हक लिया है, कोई जबरदस्ती नहीं की। ये सब सुन राहुल ने फिर से उसका कॉलर पकड़ चिल्ला के बोला, मेरी बहन के साथ अपनी हवस मिटाने के बाद उसे हक का नाम दे रहे हो? किस हक की बात कर रहे? जो मैंने तुझे दिया उसकी जीस के लिए तू इतना पागल है? वो मेरी बहन है, अगर मैं उसे तुझे दे सकता हूँ तो वापिस छीन भी सकता हूँ। जैसे ही राहुल ने आखिरी शब्द बोला, कमरे में जोर से कुछ गिरने की आवाज आए, आवाज काफी तेज थी।
आवाज किसी और की नहीं राहुल के गिरने की थी। समय ने राहुल को जोर से लात मारी थी जिसे राहुल उसे 2 मील दूर जाके गिरा। समय इतने में ही नहीं रुका, वो तेज कदमों से राहुल के पास जाके उसे गदन से पकड़ खड़ा कर एक के बाद एक पंच मारने लगा। उसका हर पंच राहुल के पहले पंच से 10 गुना तेज था। वो कभी उसके मुंह पर पंच मारता तो कभी उसके पेट में। वरुण ये सब देख पूरी तरह शोकित था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। समय का गुस्सा देख उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी, उसके पैर कांप रहे थे। समय का गुस्सा कितना खतरनाक है वो वरुण से बेहतर कोई नहीं जानता। समय लगातार राहुल को पंच पर पंच मारे जा रहा था। समय के पंच के साथ होद में पड़े सामान को उठा के भी राहुल को मारने लगा। समय के मारने से राहुल की हालत अधमरी सी हो चुकी थी, फिर भी समय का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। समय मारते हुए चिल्लाया, क्या कहा तूने? तू उसे मुझसे छीन लेगा, तू मेरी बटरफ्लाई को मुझसे छीन लेगा, तुझ में इतनी ताकत है कि तू उसे मुझसे दूर करेगा। समय यही सब बोल राहुल को मारे जा रहा था। राहुल के सर नाक मुंह से खून निकलने लगा, उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो समय को रोक सके। वरुण ने जब देखा राहुल की हालत काफी खराब हो चुकी है, अगर उसने समय को नहीं रोका तो राहुल को कुछ भी हो सकता है, तो वो तुरंत भाग के समय के पास आके उसे पीछे से पकड़ रोकते हुए बोला, भाई रुक जा वो मर जाएगा, भाई रुक जा प्लीज। समय गुस्से में वरुण को खुद से अलग करते हुए, वरुण मुझे छोड़, आज मैं इसे जान से मार डालूगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? ये मेरी बटरफ्लाई को मुझसे दूर करेगा, मैं इसकी जान निकाल लूंगा, ये मेरी बटरफ्लाई को मुझसे दूर करेगा, इतनी औकात है इसकी। समय ने फिर से एक पंच और जोर से लात राहुल के पेट पर मारी। वरुण ने ऊपर से समय को टाइटली पकड़ रखा था। वरुण उसे पकड़े हुए बोला, भाई, उसने गुस्से में बोला दिया, उसे माफ कर दे, वो अपनी बहन के लिए परेशान है इसलिए उसके मुंह से ये सब निकल गया। इसने किसे कहा वो मेरी बटरफ्लाई के लिए परेशान हो, मैं उसके पास हूँ, मैं अपनी बटरफ्लाई को संभाल लूंगा। समय ने गुस्से में राहुल को एक और लात मारते हुए कहा। राहुल के मुंह से काफी खून निकलने लगा, उसका निचला होंठ भी फट गया, उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी। समय गुस्से में राहुल को देख बोला, तू मुझे बोल रहा है मैंने अपनी बटरफ्लाई के साथ जबरदस्ती की, लेकिन मुझे कहने से पहले तू पहले अपने गिरबान में झांक के देखे फिर मुझे बोलना। वरुण समय को पकड़े हुए बोला, भाई मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से ये बात नहीं बोलेगा, तू प्लीज शांत हो जा। अगर तेरी बटरफ्लाई उठ गई और तुझे ऐसे देखा तो वो तुझसे डर जाएगी, तू प्लीज शांत हो जा और अपनी बटरफ्लाई को संभाल। उसने जैसे ही तापसी का नाम लिया समय थोड़ा शांत हुआ। वरुण ने जब देखा समय रुक गया तब उसने उसे छोड़ते हुए कहा, जा तू अपनी बटरफ्लाई के पास, में इसे यहाँ से ले जाता हूँ। समय एक नजर राहुल को देख बेड पर लेती अपनी बटरफ्लाई को देखा, वो उसके पास चला गया। राहुल अब तक बेहोश हो चुका था। वरुण उसे देख अपनी आंखें रोल कर खुद से बोला, मैंने तुझे कितनी बार समझाया उस के आगे खुद को शांत रख, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। वरुण को राहुल की हालत देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने 2 वोद बॉय को बुला के राहुल को दूसरे वोद में ले गया और उसका इलाज कराने लगा। समय तापसी के पास जाके उसका हाथ पकड़ बैठ गया। तापसी अभी भी बेहोश थी, उसे बेहोश हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। समय की आंखें अभी भी गुस्से में लाल थी, उसके होठों के पास खून लगा हुआ था, उसके राइट गाल पर पंच का लाल निशान बन चुका था, उसके हाथों में से भी खून निकल रहा था। फिर भी समय को इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एक तक तापसी को देख रहा था और कुछ घंटे पहले जो हुआ उसे याद करने लगा। फ्लैशबैक, समय जब तापसी को लेके विला पहुंचा तब तक वो शांत हो चुका था, लेकिन जब वो हॉल में आया जानवी का उसे जान कहना उसे एक बात याद दिला गई, उसके पुराने जख्म में से एक को ट्रिगर कर गई, जिसके बाद उसके दिमाग में वो सब बात याद आने लगी जो 2 दिन में हुई। तापसी का दूर जाना, उसके सामने व्योम, व्योम को उसका गले लगाना, व्योम का उसकी शादी की बात अपने भाई से करना,
वही सब उसके माइंड में चलने लगा। जिसे उसका शांत हुआ गुस्सा फिर से उस पर हावी होने लगा। समय की आंखों के सामने वही सब सिन घूमने लगे। जब तापसी को व्योम व्योम ने छुआ था वो बात अलग है कि वो उसे बहन मानते है, लेकिन समय को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ उसका छुना था। समय गुस्से में तापसी को लेके बिना किसी पर ध्यान दिए उसे कमरे में ले जाके सीधा बाथरूम के सावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसकी आंखें गुस्से में पूरी लाल हो चुकी थी, उसके हाथ गले की नशे उभर आई। समय ने गुस्से में तापसी के कपड़े एक झटके में फाड़ दिए। तापसी उसे रोकती उसे पहले समय किसी हैवान की तरह उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालने लगा। समय पूरी तरह अपने पहले वाले रूप में आ चुका था। तापसी की दर्द भरी चीखें बाथरूम से कमरे तक गूंजने लगी। तापसी काफी दर्द में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, समय से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी समय को इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो समय तापसी के साथ प्यार करते वक्त हमेशा सॉफ्ट हुआ करता था, वो पूरी तरह बदल सनकी आदमी की तरह उसके शरीर को नोचने लगा। समय ने तापसी के सारे कपड़े निकाल उसके हर हिस्से को पानी से साफ करने लगा। जब पानी से साफ कर उसे वो सुकून नहीं मिला तो उसने बॉडी वॉश की पूरी बोतल तापसी पर खाली कर दी और उसके शरीर को रिगने लगा। जैसे कोया गंदगी को दूर कर रहा हो। तापसी इस बीच कितना रोई चिखी चिल्लाए, समय के आगे हाथ जोड़े, लेकिन समय को तो जैसे गुस्से के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं रहा था। उसके सर पर गुस्सा सवार था, उसे तापसी का रोना दर्द कुछ नहीं दिख रहा था। समय को जब लगा तापसी साफ हो गई है, तब जाके उसने उसे छोड़ा। उसकी पकड़ से छूटते ही तापसी वहीं सावर के नीचे बैठ गई। वो दीवार से लग अपने दोनों घुटनों को मोड़ के अपना सर झुका के रोने लगी। वो पूरी तरह नेक्त थी, उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। समय के नाखून से खरोचने लाल निशान उसके हाथ पैरों पर दिख रहे थे। समय अपना गुस्सा शांत करने के लिए बाथरूम से निकल गया। तापसी वहीं पानी के नीचे रोती रही। समय एक घंटे तक बाथरूम में नहीं आया, तापसी वैसे ही रोती रही। समय जब कमरे में आया तो उसकी नजरें तापसी को ढूंढने लगी। उसे जब तापसी कहीं नहीं दिखी तो उसकी आंखें छोटी हो गई, उसका शांत हुआ गुस्सा फिर से आने लगा। समय के कदम बाथरूम की तरफ चले गए। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था, इसलिए वो सीधा अंदर चला गया। तापसी वही सावर के नीचे सिसक रही थी, उसे ऐसे देख समय की आंखें छोटी हो गई। उसने पहले सावर बंद किया, फिर बिना कुछ बोले तापसी तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसे उठाने से तापसी डर गई, उसके हाथ अपने आप समय के कंधे पर चले खड़े। ज्यादा देर ठंडे पानी में रहने से तापसी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। समय की गोद में वो डर से और ठंड से कांप रही थी। समय उसे ले जाके बिस्तर पर लेटा के ब्लैंकेट से कवर कर ऐसी को लो पर किया। तापसी बेड पर भी सिकुर गई, तापसी के होठों ठंड से कांप रहे थे। तापसी को ऐसे देख समय की आंखों में डिजाया साफ दिखने लगी। तापसी को बाथरूम में देखते ही उसकी आंखों में डिजाया दिख रही थी। ज्यादा देर ठंडे पानी में रहने से तापसी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। समय की गोद में वो डर से और ठंड से कांप रही थी। समय उसे ले जाके बिस्तर पर लेटा के ब्लैंकेट से कवर कर ऐसी को लो पर किया। तापसी बेड पर भी सिकुर गई, तापसी के होठों ठंड से कांप रहे थे। तापसी को ऐसे देख समय की आंखों में डिजाया साफ दिखने लगी। तापसी को बाथरूम में देखते ही उसकी आंखों में डिजाया दिख रही थी। समय अपनी सट लगभग फाड़ के नीचे फेंक कर तापसी के ऊपर झुकते हुए बोला, बटरफ्लाई चलो आज हम सारी दुरिया मिटा देते हैं और एक हो जाते हैं। तापसी उसकी बात समझ पाती या रोक पाती उसे पहले समय पूरी तरह तापसी के ऊपर आ गया। उसने तापसी के ठंड में हिलते होठ अपने होठों से दबा दिए और किस करने लगा। तापसी उसके नीचे अभी भी कांप रही थी। समय आंखें बंद कर उसके होठों का रस पी रहा था। 10 मिनट किस करने बाद जब उसने देखा तापसी उसका साथ नहीं दे रही तो उसने उसे अलग होके तापसी के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। तापसी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, ज्यादा रोने से उसकी आंखें, नाक, कान, गाल, होंठ सब लाल थे। समय की इंटेंस नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी।
उसकी लंबी पलके आंसू उसे भीगी हुई थी और झुकी हुई थी। नाक किसी चेरी तरह लाल हो गई थी, गालों पर भी लाल रंगत छाई हुई थी। तापसी इस वक्त सच में बहुत क्यूट लग रही थी। अब ये रोने से है या उसकी सॉफ्ट स्किन का असर है, ये तो कोई पता नहीं लगा सकता। तापसी अपने निचले होंठ को बाहर निकाल सिसक रही थी, उसकी आंखें बंद थी। समय की नजरें तापसी के होठों पर टिकी हुई थी। तापसी के लाल होंठ देख समय की आंखों में डिजायर और बदने लगी। उसने पहले खुद को काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसके कानों में व्योम का तापसी की सादी बात करना सुना दे रहा था। एक ओर उसका दिमाग मना कर रहा था तो दूसरी ओर कह रहा था, ये तुम्हारा हक है, अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो कोई उसे तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। यही उलझन में समय की नजरें तापसी पर इंटेंस होती चली गई। समय ने तापसी को कमर से पकड़ तुरंत अपने करीब खींच लिया। तापसी जो सो रही थी ऐसे खींचने से सीधा उसके सीने से जा लगी। वो समय के ऐसे खींचने से वो और डर गई। समय बिना उसके डर की परवाह किए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे दिपली हार्डली किस करने लगा, साथ ही तापसी को अपने आगोश में समाने लगा। तापसी जो पहले से ही समय से डरी हुई थी उसके किस करने से वो और डर गई। उसकी किस में कहीं से भी प्यार नहीं था, अगर कुछ दिख रहा था तो वो था उसका गुस्सा, जलन, जुनून, सनक। समय उसे फिर से धीरे से बिस्तर पर लेटा के उसके करीब आके उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। तापसी उसके नीचे डर से बुरी तरह कांप रही थी। समय को अपने करीब देख उसे डर लग रहा था। समय भी ये बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था, इसलिए समय गहरी सांस लेके खुद को सांत कर उसे सांत कराते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बटरफ्लाई रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आज मैं अपनी बटरफ्लाई को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, फिर कोई भी मेरी बटरफ्लाई को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। आज के बाद कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा, अगर किसी आने की कोशिश की या फिर तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा, समय ने लास्ट लाइन काफी भारी आवाज में बोली। समय तापसी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम पर, तुम्हारी रूह पर सिफे और सिफे समय मल्होत्रा का हक है और उसका ही रहेगा। समय मल्होत्रा क्या है कोई नहीं जानता, उसका जुनून, उसकी सनक, उसका प्यार कितना खतरनाक कोई नहीं जानता। उसने ने ये बात काफी शांत होके बोली थी ताकि वो तापसी को डरा ना सके, लेकिन उसकी बात में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। तापसी समय की आंखों में अपने लिए जुनून देख और डर गई। समय ने उसके गालों पर चुमके उसे अपने आगोश में भर के बोला, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक इस समय मल्होत्रा पर ब्रेक है। जींस दिन तुम दूर गई उस दिन ये दुनिया समय मल्होत्रा को बेलगाम देखेगी, और मेरा बेलगाम होना कैसा होता है वो कोई नहीं जानता, खुद समय मल्होत्रा भी नहीं। तापसी समय की बातें सुन और भी घबराने लगी। वो समय से और भी डर लगने लगी। उसकी आंखें डर से अपने आप झुक गई। वो समय की आंखों की तपीस बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। समय उसकी आंखों में डर देख अपनी आंखें बंद कर ली और झुक कर उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रख उसे बारी बारी चुम लिया। जिसे महसूस कर तापसी की आंखें अपने आप बंद हो गई। समय खुद को काफी शांत रखने की काफी कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता तापसी उसे डरे। वो उसकी आंखों में हमेशा प्यार देखना चाहता है, डर नहीं, लेकिन उसका गुस्सा ही कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी तापसी को डरा देता था। समय उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूमने लगा। सबसे पहले उसकी आंखें, फिर नाक, गाल, सर और आखिर में होंठ। तापसी समय को प्यार करता देख थोड़ी शांत हुई, क्योंकि समय इस बार काफी सॉफ्ट था। उसकी किस भी पहले से सॉफ्ट थी। सच कहते हैं लोग, इंसान कितना भी बड़ा हैवान क्यों ना हो, प्यार में हर कोई बदलता है। ये प्यार ऐसी चीज है जिसका असर उसके मीतने के बाद भी रहता है। जैसे ऐसी कहीं कहानी या जिसे हम आज भी दो प्यार करने वालों के अमर प्रेम कहानी के नाम से जानते हैं, जो खुद तो प्यार में मर गए लेकिन उनका वो प्यार उनको लोगों के दिल में अमर कर गया। अब हमें देखना ये है कि हमारी तापसी का प्यार समय जैसे हैवान को बदल पाता है या नहीं। इस सब में मासूम सी तापसी को और कितना दर्द सहना होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फ्लैशबैक एंड।
समय ने कल रात तापसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। उस डॉक्टर ने सिर्फ तापसी की चोट देख के अंदाजा लगा लिया कि उसके साथ फिजिकल रिश्ता बनाया है जिसके कारण वो बेहोश हुई है। लेकिन सच सिर्फ समय को पता था उसकी तापसी कैसे बेहोश हुई है, वरना तापसी के साथ उसका रिश्ता पहले ही बन चुका था। लेकिन उस डॉक्टर ने से कहा उसका फर्स्ट टाइम हुआ था इसलिए बेहोश हो गई। समय ने उस वक्त डॉक्टर की बात में सिर्फ इसलिए हाँ कहा ताकि वो डॉक्टर उसकी बटरफ्लाई को चेक कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल में उन तीन के अलावा कोई दूसरी लेडी डॉक्टर नहीं थी और वो किसी आदमी को अपनी बटरफ्लाई को छूने नहीं दे सकता। समय को इस वक्त सिर्फ अपनी बटरफ्लाई की फिक्र थी, वरना अगर तापसी अभी ठीक होती तो वो डॉक्टर कब का इस दुनिया से गायब होती। समय तापसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, ना ही बाथरूम में ना ही कमरे में, उसने सिर्फ कहा था लेकिन किया कुछ नहीं था। तापसी को वहां पर चोट बाथरूम में लगी थी जिसका कारण समय ही था। समय जब उसे साफ कर रहा था तब तापसी उसे छूटने के लिए छटपटा रही थी, तब उसे वहां चोट लग गई और बाकी शरीर पर खरोच और लाल निशान तो आपको पता ही, समय ने उसे देसे नहलाया था उसके कारण आए थे। तापसी को नहलाके के बाद जब समय को उसके दर्द का एहसास हुआ तब वो वहां से बिना कुछ बोले निकल गया। वो उस वक्त कमरे से निकल अपने स्टडी रूम के सीक्रेट रूम में गया था जहां से उसने खुद को एक इंजेक्स लगाया और वहीं लेट गया। जब आधे एक घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी आंखें तब लाल नहीं थी, उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। तब वो वहां से निकल भागते हुए तापसी के पास आया और ये सब हो गया। ऐसा जरूरी नहीं होता जो चीज सामने दिखती हो वही सच हो, कभी कभी आंखों देखी चीजें भी गलत होती है। जो चीज सामने से दिखने में सही लगे और जो चीज दूर से देखने में गलत लगे वो कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। जैसे इस में उस डॉक्टर ने बिना पूरा चेक किए समय पर वो इल्जाम लगा दिया। समय को उस वक्त डॉक्टर पर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। फिलहाल उसके लिए तापसी का होश में आना जरूरी था, वो डॉक्टर को सजा बाद में भी दे सकता है। राहुल का वोट। राहुल को अब तक होश आ चुका था, वरुण उसके पास ही था। राहुल होश में आते ही समय को गालियां देने लगा, उसे बड़ा भूला बोलने लगा और ऐसी हालत में भी खड़ा होने की कोशिश करने लगा जबकि उसे बहुत बुरी तरह चोट आई थी। समय ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था, उसके लेफ्ट हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, सर पर पैर में भी चोट आई थी, फिर भी उसे अपने दर्द की बिल्कुल पड़ी नहीं थी। वो कुछ भी कर अपनी बहन के पास जाना चाहता था, उसे इस वक्त खुद से ज्यादा तापसी की फिक्र थी। वरुण जो कब से उसकी बकवास सुन रहा था उसका सब्र जवाब दे गया, उसने गुस्से में राहुल को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे वार्ड में गूंज उठी। थप्पड़ पड़ते ही राहुल धम से बेड पर गिरा, उसके चोट लगे हाथ में फिर से लगी जिसे उसकी दर्द से आहा निकल गई। लेकिन वरुण को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसे राहुल का दर्द नहीं दिखा। उसने गुस्से में राहुल का कॉलर पकड़ उसे उठा के बोला, एक और वद मत बोलना उसके बारे में वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू भी मेरा दोस्त है। राहुल अपने गाल पर हाथ रख वरुण को ही देखता रहा, उसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया था, उसके होठों से खून निकल आया, आंखें हल्की लाल हो गई। उसने गुस्से में अपना कॉलर चुराते हुए बोला, तू अभी भी उस कमीने की साइड ले रहा है जिसने हमारी जस्ट सेटअप। वरुण उसकी बात पूरी होने से पहले चिल्ला के बोला। उसने गुस्से में राहुल को कॉलर से पकड़ उठा के दांत पीस के बोला, क्या जानता है तू समय के बारे में, क्या जानता है जो उसके लिए ये सब बोल रहा है। उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो, तुम और तुम्हारी बहन, तुम दोनों ने उसे इंसान से हैवान बनाया, तुम दोनों के कारण वो हैवानियत की हर हदें पार करता है, सिर्फ तुम दोनों के कारण, वरना मेरा यार कभी ऐसा नहीं था। वो तो बचपन से लड़कियों की ओर देखता भी नहीं था, उसकी दुनिया सिर्फ तापसी थी। जब से वो इस दुनिया में आई थी तब से उसकी सांसें बन चुकी थी उसके जीने की वजह, उसका सुकून, उसका सब कुछ वो बन चुकी थी जिसे तूने दूर किया और इल्जाम उस पर लगा रहा है। क्या हुआ अगर उसने तापसी को पा लिया, क्या गलत किया? आखिर उसकी बीवी है, उसका पूरा हक है उस पर, वो जब चाहे
उसके साथ सुकून के पल बिता सकता है, तू होता कौन है उनके रिश्ते को गलत नाम देने वाला। राहुल हैरान हो के, बीवी तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।